शहर में शुक्रवार को मौसम ने करवट ली और कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई। जी हां, आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने की वजह से उमस भरी गर्मी पड़ गई थी। ऐसे में लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश के बाद थोड़ी राहत मिली है, वहीं कई जगहों पर जल जमाव भी देखने को मिला, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली के आधिकारिक मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला में शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं मयूर विहार वेधशाला में 22.5 मिलीमीटर जबकि लोधी गार्डन मौसम केंद्र पर 18 किलोमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग ने शनिवार को भी दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। हालांकि बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इसके बाद रविवार और सोमवार को दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान है। दूसरी तरफ नोएडा और गुरुग्राम में भी मौसम कमोबेश दिल्ली जैसा ही रहेगा। गौरतलब है कि अगस्त में दिल्ली में सिर्फ 41.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो बीते लगभग 14 सालों में सबसे कम है। दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 ज़्यादा 27.6 डिग्री और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 ज़्यादा 37.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार शनिवार की सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में 97 दर्ज हुआ है। वहीं नोएडा मध्यम श्रेणी में 106 और गुरुग्राम में भी मध्यम श्रेणी में 138 रिकॉर्ड किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।